अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। जिंगर बर्गर बनाने के लिए मैंने चिकन के थाई पीस लिए हैं। हम 6 बर्गर बना रहे हैं, इसलिए मैंने ये 6 पीस लिए। अगर आपको ज़्यादा बर्गर बनाने हैं तो आप ये ज़्यादा पीस ले लें। इसको मैं पहले सबसे पहले इस तरह पाउंड करूँगी, इससे जो है इसके रेशे अलग हो जाते हैं और ये बहुत जूसी बनता है। इसके पाउंड करने के बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम इसमें 1/2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च भी डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। इसमें हम एक अंडा भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम मैदे की सलरी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और इसमें हम 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, थोड़ा सा नमक लेंगे अपने अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा आप कर लें। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम इसका एक थिक बैटर बना लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, कभी ये ज़्यादा लूज ना हो जाए। हमने मैदे का बैटर तैयार कर लिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा पतली। अब हम चिकन फ्राई करना स्टार्ट करते हैं बर्गर के लिए, जिसके लिए हमने अपना चिकन जो है वो आधा घंटे बहुत अच्छे से मैरिनेट करके रख लिया था। इसके लिए मैदे की एक स्लरी बना के रख ली है और ये थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं जिसे हमने पहले से क्रश कर लिए थे। चिकन के एक एक पीस को लेकर पहले हम मैदे की स्लरी में इसे डिप करेंगे अच्छे से, और फिर इसे कॉर्नफ्लेक्स में कोट करेंगे। हमने एक चिकन के पीस को कोट कर लिया है। अब हम इसी तरह बाकी के पीस भी कोट करके, चिकन पीस को कोट करने के बाद अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमें चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करने हैं। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हुए हैं। इसी तरह हम बाकी के पीसेस भी तल लेंगे। अब हम इन बर्गर बंस को मक्खन में थोड़ा थोड़ा सा सेंक लेंगे। अब हम अपने बर्गर्स को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मेयोनीज लगाएंगे। इसके बाद हम अपना फ्राई चिकन इस पर रख देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्याज और टोमेटो रखेंगे। अब इसके ऊपर लास्ट में हम चीज स्लाइस रख देंगे। ये हमारा बर्गर बनकर बिल्कुल रेडी है। हमारे चिकन जिंगर बर्गर बनकर तैयार है। ये देखें बहुत मज़ेदार बने हैं और कितनी जल्दी बन गए। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।